मेरा साला पता नहीं कैसा अन्ना है। अरे भागो यार, अरे यार यार हाँ आ जाओ यार, ये पागल आगल लग रहा है सब। अरे यार क्या मुंह सब यार, कुछ मारने के लिए है नहीं, ईटा पत्थर से जा नहीं रहा ना। यूपी के हमीरपुर जिले में हिंसक नीलगाय ने एक बुजुर्ग किसान की जान ले ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नीलगाय के हमले का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद खौफनाक है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नीलगाय उस किसान पर तब तक हमला करती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। दरअसल ये घटना सुमेरपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने की बताई जा रही है, जहां शनिवार शाम को घास लेने गए एक किसान पर नीलगाय ने हमला कर दिया। हिंसक नीलगाय तब तक बुजुर्ग किसान पर हमला करता रहा जब तक कि किसान की सांस थम न गई हो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हिंसक नीलगाय बुजुर्ग किसान को बार बार कुचल रही है। इस दौरान लोग शोर मचाकर उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। नीलगाय के हमले का मंजर इतना डरावना था कि किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई पास जाता। लोग दूर से ही नीलगाय की तरफ पत्थर फेंक रहे थे ताकि वो डरकर वहां से भाग जाए और किसान की जान बचाई जा सके, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। नीलगाय ने किसान की जान ले ली। पहले तो नीलगाय जो है पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ का भी नहीं है और साथ साथ डोमेस्टिक खेतों के किनारे वह जाता है और उनके एक समूह के साथ रहता है। इस संबंध में जब सूचना मिली थी तो तुरंत हमने एक टीम का गठन किया और देखा कि वह स्थिति क्या है। उसके बारे में सामान्यतः मालूम हुआ कि किसी ने नीलगाय को घायल अवस्था में, बच्चा था, उसको पाल करके लोगों ने किया। अब उसको उन्होंने छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद से किस कारण से वह आक्रामक हुई और नहीं, इसके बारे में तथ्यों का पता नहीं चल सका है। यह जस्ट प्रशासन जो है उसको देख करके एनालाइज करेगा कि रियली तथ्य क्या थे ये सब चीज़ों में। लेकिन चूँकि उस नीलगाय को पकड़ने के लिए पूरे वन विभाग, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों से यह हुआ था कि वन विभाग, नगर पालिका, प्रशासन, ये तीनों मिलकर एक संयुक्त प्रयास करते हुए किसी तरह से उसको पकड़ करके इस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, अगर उस तरह की हिंसक प्रवृत्ति अगर हो रही है तो। नीलगाय के हमले में किसान की मौत के बाद बीजेपी किसान मोर्चा ने वन विभाग के हिंसक नीलगाय को पकड़ने की मांग की है, तो वहीं डीएफओ का कहना है कि इस नीलगाय को बचपन में ही किसी ने घायल अवस्था में पकड़ा था, जिसके बाद उसे किसी ने पाल पोस कर बड़ा किया और फिर गांव में ही छोड़ दिया। ये हिंसक कैसे हुई, ये जांच का विषय है। नीलगाय के हमले से किसान की हुई मौत के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। डीएफओ ने सुमेरपुर के वन विभाग की टीम गठित कर इस हिंसक जंगली जानवर को पकड़ने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक नीलगाय को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट।